بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہ آزما کے ویکھ رب نو اے دوست اوکھے ویلے آزما کے ویکھ رب نو اے دوست اوکھے ویلے او وسدائے بن کے رحمت وسدائے بن کے رحمت چھم چھم میرا خدائے وسدائے بن کے رحمت چھم چھم میرا خدائے کیونکہ ہر دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے دم دم میرا خدائے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدائے دم دم میرا خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيارا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سبحان الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم
بهم وزدناهم هدى जाने गुमान करें तेरी की जात नी एक दिन आनी तैनू जंगल विच रात नी कबर दे विच कोई पुछे ना बात नी किन्ना दे संग तू परीत लगाईया हर शम्मा कोल रह के जेड़े रहन जिंदा सानू ऐसे भतंगा दी लोड़ कोई नहीं तोड़ दीवन जो शरीयत दिया हद्दानू सानू ऐसे मलंगा दी लोड़ कोई नहीं और दिल होवे बिलाल दे दिल वरगा दिल होवे बिलाल दे दिल वरगा मेरे मौला नु रंगा दी लोड़ कोई नहीं हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला शानहु दी ज़ात अक़दस वास्ते है दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला वास्ते हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा निहायत ही फ़ज़्ल व करम है उन्दी तौफीक ख़ास नल अज जिस मकाम ते जमा हुए हाँ दुआ करो अल्लाह ताला मेरा और तुसा सारिया दा इस मुकाम ते जमा होना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए मेरी जमात दे जय्यद उलमाए कराम और नौजवान उलमाए कराम मेरी दाएं बाएं तशरीफ रख दे ने दुआ करो अल्लाह ताला उलमाए हक दियाँ जिंदगियाँ दराज फरमाए हर उलमाए सुनो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए अहबाब जमात ने जिस तरह दा मौजू रखे है मैं वेख रहा कि मेरी महफल भी उंजदी बन गई है माशाल्लाह जिस तरह दा मौजू है मौजू दे लिहाज नाल उंजी नौजवान भी माशाल्लाह कसीर तादाद अंदर तशरीफ लेके आए हो उम्र दा ए जड़ा अरसा हुंदा है यकीनन जिंदगी दे ए अयाम जिन्हां नूं असी जवानी दे अयाम कहने आ एक ऐसे अयाम हुंदे ने कि जिन्हां जंदर इंसान दे बहकण दा बड़ा ही ज़्यादा खतरा हुंदा है इंसान बड़ा ही ज़्यादा इन्हां दुनिया दियाँ चाशनियाँ दे कोलों दुनिया दियाँ रंगीनियाँ दे कोलों और शैतान इंसान दे सामने इस सारा कुछ मुजयन करके इंज पेश कर दे के करीब तर है के नौजवान अल्लाह को डरन वाला अपना ईमान खो बैठे और जेहो जे आजकल हालात बन चुके ने हदीस पाक एक याद आ गई नबी रहमत रहमत दुआलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया कयामत दे करीब आसमाना तो फितने इंज गिरनगे जिमें आसमाना तो बारिश दे कतरात जमीन ते गिरदे ने और हकीकतन अज ओही वक्त है
पैर पैर ते फितना, कदम कदम ते इंसान नू अपने इमाम दी हिफाजत दी जरूरत है। और मैं ये समझना कि आज दे दौर अंदर जितने तुसी जवाना करके बैठे हो, पता नहीं गुफ्तगू दे अंदर कोई बात किवें दी मैं करां, कोई समझ अंदर आए ना आए, लेकिन एक बात याद रखो, ये मेरा दावा भी है, ये मेरा चैलेंज भी है, और ये मेरा इंज समझ लो कि खुशखबरी दा पैगाम भी है कि जेड़ा आज दे पुरफितन दौर दे अंदर जेड़ा जवान रात दे किसे लम्हे दे अंदर नमाज इशा और नमाज फजर दे दरमियान किसे भी वक्त जेड़ा नौजवान दो रकत नमाज पवे दो ही पढ़े, दो रकत जेड़ा नौजवान नमाज पढ़ दे, मेरा दिल कहिंदे के कायनात दा रब उस जवान नल बड़ा ही प्यार करदा वे। लेकिन इंज दा जवान बड़ा ही घट लभेगा कि जिन्हों दो रकता नसीब हो जान आज दे दौर अंदर। इस तरह दा दौर के दिने भी बेहयाई ते रात भी बेहयाई, दिने भी अल्लाह दी बगावत और रात नू भी अल्लाह दी बगावत। आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, ये जड़े अयाम ने जवानी दे इन्हां नू जिन्ना भी संभाल के गुजारोगे उन्ना ही फायदा होएगा, उतना ही तुसी जन्नत दे करियो। कहण वाले ने की आखिया है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी दे वक्त तौबा करके रब कोलो डरना, इंज समझ लो ये ते नबियां दा शेवा होया करदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा, मेरी नाकस अकल दे मुताबिक जिथों तक मैं समझिया ते सोचिए, जदों दा मैनू इस मजमून दा पता लग्गा ते मैं गौर कीता ते मैं ये सोचिए कि मैं अपने कामों की दे जवानां नू ये दसां कि अज दे दौर अंदर केड़ी चीज़ है जिहड़ी जवानी नू खराब कर दी है। ते मेरी अकल अंदर दो ही चीज़ां आईयां ने, दो चीज़ां, एक दा ताल्लुक माशरे दे नाल है, एक दा ताल्लुक अकीदे दे नाल है। अकीदा सब तो मुकद्दम है। साढ़े अज दे दौर अंदर नौजवानां नू सब तो ज़्यादा खराब करन वाली अगर कोई बीमारी है तो शिरक दी बीमारी है। दुआ करो अल्लाह ताला शिरक तो महफूज फरमाए। और कुरान पाक अंदर अल्लाह ताला ने नौजवानां दी कदर बयान की है जिन्हें शिरक तो बेजारी का ऐलान किया। हाँ, ये अल्लाह दे कुरान ते गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समय से अनुसार इन्हें उदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरों मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नादल खून वाला कुरान बयान करदा पिए, तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। ओ मेरी मिल्लत दे जवान, हर कामों की दियाँ गलियाँ ते चुरस्तियाँ दे अंदर फिरन वालिया मेरी जवानाओ, आ जा आ जा। अगर चाहने के तेरी जवानी बच जाए, अगर चाहने के तेरी जवानी दे अयाम गुजरन पर तू दागदार न हो सके, अगर चाहने के जवानी दे वक्त दी कायनात दा रब तेनू अपना मुकर्रब बना लवे, अपना प्यारा बना लवे, अल्लाह बार फिर शिरक तो बच जाओ, फिर कब्रां दी पूजा तो बच जाओ, पक्का ते सच्चा मवाखद बन जाओ। जिहड़ा जवान मवाखद होवे कायनात दे रब नू बड़ा ही प्यारा लगदा है, ते जिहड़ा जवान मुशरक होवे ओ कायनात दे रब नू बिल्कुल चंगा नहीं लगदा। तुसी कहोगे दलील की है, एक मुशरक जवान दी गल पहले सुनावां, फिर एक बाखे जवान दी गल सुनावा गाओ। जाने मुशरक जवान कौन है, बड़ी भारी गद्दी वाला, इंदा नसब नामा बड़ा उच्चा इस जवान दाओ। अल्लाह खुआ
खबर लाओ ये जड़ा जवान नाम इंदे बाप दा मुकाम बड़ा ज्यादा है। हजरत इदरीस अलैहि सलाम दी लड़ी विचों इंदा बाप पैदा होया है। हजरत इदरीस पैगंबर नसब नामे दे तहत इंदे बाप दे पड़पोते लगदे ने अल्लाह अकबर पड़दादे लगदे ने। सैयदना हजरत नूह अलैहि सलाम अल्लाह दे बरगुजीदा पैगंबर उन्हां दा बेटा नबी दे हाथ अंदर खेडन वाला नबी दे हाथ अंदर जवानी चढ़न वाला। अज जवानियां चढ़ गया ते मुशरक ते शिरक करदा करदा जवान हो गया है। इधरों अल्लाह दे अजाब दा बिल्कुल वक्त करीब आ गया है। फरमाया पुत्रा अज ते शिरक तो तौबा कर ले अज ते सीधे रस्ते ते आ जाओ अज ते पक्का ते सच्चा मुवाकिद बन जाओ। है जवान पर की जबान चो कहिंदा काला सावी इला जबालिंगा असिमुनी मिनल माम ये मेरा बाबा किंज दियां गल्लां पिया करने तू ते बुढ़ा हो गया ते मैं जवान आ मेरी अकल ज्यादा कम कर दिए। पानी आएगा 2 फुट आएगा 10 फुट आएगा इतना ही आएगा इस तो ज्यादा पानी कितों आ जाएगा। मैं चढ़ांगा पहाड़ ते चढ़ के अपने आप नू ते अपनी जान नू बचा लवांगा। अल्लाह अकबर मेरे परवरदिगार ने इस नौजवान दी जवानी नू ختم کیویں کیتا ہے؟ اللہ فرماتے نے بہالا بینہم الموجو کائنات دے رب نے پانی دی ایک چھل اتنی بڑی کر دتی گئے اس چھل نے سے جوان نو اپنی لپیٹ اندر لے لیے۔ جدو انج کر کے رب دے پیغمبر دا پتر تے جناب دنیا چھڑ کر کے جاندا پیے پانی دے اندر ڈبکیاں کھاندا تے گوتے لیندا پیے۔ حضرت پیغمبر کی فرما دے نے ان ابنی من اہلی اللہ میرا بیٹا میرے اہل وچوں اے اے کائنات دے رب او جس بیٹے دے مندر لکمے توڑ توڑ کے میں آپ داخل کر دا رہا ہاں اللہ جس بیٹے نو گلی نال پکڑ کر کے ٹرنا میں آپ سکھایا اے۔ مولا کریمہ اج میری اکھاں دے سامنے ڈبدا پیا اے تے میرے دل نو رگ پیندے پانے پر میں گل سن میرا نو پیغمبر تو میرا پیغمبر تے میرا پیارا نبی تے رسول ہے وہ مشرک ہے بے شک تیرا بیٹا ہے لیکن انہیں جوانی دے یام اندر شرک کیتا ہے تے میں نو ناراض کیتا ہے وہ تیرے اہل وچوں نہیں کو سکدا کیونکہ ان دے عمل چنگے کوئی نہیں۔ اے تے گل میں تینو سمجھادا پیا وا لیکن اس تو بعد بھی اگر تو اپنے جوان بیٹے دی خاطر میرے کو دعا کریں گا تے میں تیرا نام نبیاں دی فرشت چو کڈ کے جاہلاں چ لکھ دیواں گا۔ انج دا جوان مینوں چنگا نہیں لگدا او جنوں جوانی دے وقت وی خیال نہ دے کہ میرا ایک رب موجود اے او جنوں جوانی دے وقت وی اپنے مالک دا در یاد نہ دے او جڑا جوان ہو جاوے تے عقل پوری کھو جاوے جڑا اپنے آپ نوں کڑیل سمجھے تے جوان سمجھے اپنا ایڈا سو ਉਹਨਾ ਮੱਥਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾਏ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੈਯਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਬਾਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਜਾ ਅਮੀਨਾ ਅਕਸਲ ਮਦੀਨਤੀ ਰਜੁਲ ਯਸਾਮ ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮਿ ਤਬਿਉ ਮੁਰਸਲੀਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਹਸਰਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਪੋ ਸੁਣਨਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਮੀਨ ਆਪਸਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਦਰਾਤੇ ਸੀ ਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾਓ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ
बरदा में कुर्बान जावा ए भी जवान ते है भी मबाखा दे हंजा करके चौक अंदर खड़ा खो गया लोका नु जमा कर लिया लोग जमा खो गए ने वो कहंदा तुहानू गल की है तुसी अल्लाह दे नबियां दी मंदे कोई नहीं अल्लाह दे रसूलां दी मंदे कोई नहीं हालांकि तुहाडे कोल लेंदे भी कुछ नहीं ते तुहानू गल चंगी दसदे ने नेकी दी दावत देंदे ने क्यों नहीं जे मंदे तुसी नहीं मंदे पर मैं तुहाडे वर्गा जवान हां मैं ते नबियां दी दावत नु कबूल कर लिया है मैं ऐलान कर दिता है कि अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं मैं ते अकीदा बना लिया के अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं ओए कोई डुबदे बेड़े तारदा नहीं अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं ओ कोई डुबदे बेड़े तारदा नहीं हो को बिगड़े कम सवारी दा नहीं पारुला इलाहा इल्लल्ला पारुला इलाहा इल्लल्ला रब सुनदा है कुल फरियादा जी अल्लाह पूरिया करदा मुरादा जी अल्लाह आपे दिंदा औलादा जी पारुला इलाहा इल्लल्ला पारुला इलाहा इल्लल्ला अल्लाह खो अकबर अल्लाह ने कुर्बान जावाओ ये जवान ने चौकंदर खलो करके अल्लाह दी तौहीद दी दावत पेश करदा पिया ते नौजवाना ते लाके दियां लड़कियां ते सारियां रल के ये जवान नु मारना शुरू कर दिता है को थप्पड़ मार दे को मुक्का मार दे को छड़ी मार दे को डंडा मार दे हत्ता के जवान अपनी जवानी तो खत खो बैठा ते दुनिया छड़ करके चला गया इधरों जान निकल दी पई गए इधरों रूह निकल दी पई गए उधर मेरे परवरदिगार ने आवाज लगा दीती है कि लब्द खुल जन्ना अल्लाह अकबर अल्लाह की लब्द खुल जन्ना ओ कम की दिया जवाना जे तेनु समझ अंदर आवे ते इस जुमले दा तर्जमा मैं अपनी जबान अंदर इंज करिया करना वा मेरे मालिक ने फरमाया खोएगा आ जा मेरिया सोनिया जवाना तू मेरी तौहीद दी खातर अपनी जान दे करके आए तू जवानी दे वक्त अकीदे तौहीद पेश करके आए जिस वक्त नौजवाना नु ते अपनी जवानी दे चांदर ना दीन याद रेंदे ते ना मदब याद रेंदे ना मां बाप याद रेंदे ने ते ना इज्जत याद रेंदी है कोई शराब दा पींदे ते कोई अपने आप नु तबाखो बर्बाद करदा है लेकिन तो उस वक्त अंदर मेरी तौहीद दा ऐलान कीते और मेरी तौहीद दी खातर तेनू मारां दित्तियां ने किसे ने तेनू थप्पड़ मारिया ते किसे ने तेनू मुक्का मारिया है किसे ने छड़ी मारी है ते किसे ने डंडा मारी है तेरा पूरा जिस्म जख्मा दिल चूर हो चुकिया है आजा गम ना कर वो तेरे जख्मा ते मोहब्बत दियां पट्टियां करन वास्ते मैं जन्नत दियां 72 हूरां तैयार कर छड़ियां ने आजा 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 मेरे जवाना आजा कोई गल नहीं जे तेन मारिया गए ते की होया मेरी जन्नत दे अंदर हूरां तेरा इंतजार कर दियां पईयां ने अल्लाह अकबर अल्लाह हजरत ते सी वकार कहना पवेगा जवान होवे ते होवे मुशरक रब नू टुरदा फिरदा भी चंगा नहीं लगदा जवान होवे ते होवे पक्का ते सच्चा मबाखद वो दुनिया ते तुरे ते तां रब नू चंगा लगदे दुनिया तो जावे ते तां रब नू चंगा लगदा वे अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा तवज्जो कर दे जाना दरा गौर करना मेरे यार तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना गौर कर दे जाना दरा इत्थे एक जवान है इत्थे कायनात दे रब ने जवाना दे टोले दा तज़करा कर दिता है असीं कहने आ जदों चार पंज जवान रल जाण फिर महल्ले दी खैर नहीं हुंदी क्यों चार पंज रल गए ने कोई ना कोई शैतानी करके खलोणगे
कोई ना कोई हंगामा करके खलोणगे। ना ना जवाना इंज ना करिया कर, तेरी जवानी दा पता उद लगदा जदों तेरे घर अंदर उड़ामे आने शुरू हो जांदे ने। तेरी जवानी दा पता उद लगदा तेरियां कागदां दे विच ओ जवान है ही कोई नहीं जिन्हें सिर ते टोपी रखी होवे ते गिट्टियां तो सलवार उच्ची कीती होवे, दाढ़ी सुन्नत दे मुताबिक होवे ते पंज वक्त दा नमाजी होवे। ओ तेरियां कागदां च कदों जवान ने, ओ ते तेरे कागदां दे अंदर मसीतड़ हो गया, ओ ते तेरे कागदां च मौलवी हो गया, ओ ते तेरे कागदां दे विच सूफी हो गया। लेकिन जाने क्या कदर है जदे जवान दी, अल्लाह अकबर अल्लाह जिहड़ा पंज वक्त दा नमाजी ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल करदा ते गल सिखदा है। ओ तू अपने घर विचों कदम बार रखे ते कोई तेरे नाल सलाम नहीं जो लैंदा, इंज दा जवान है जदों सिर ते टोपी रख के ते रब दे दीन वास्ते घरों कदम बार रख दे। मेरे पैगंबर दी हदीस दे मुताबिक जंगलां दे अंदर और समुंदरां दीआं तैवां दे अंदर वसण वालियां मछलियां भी इस जवान वास्ते खैर दी दुआ कर दीआं ने। अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जावां इस वास्ते जवाना आजा जवानी गुजार उंज दी। अल्लाह अकबर तेरी जवानी तो लोग चंगा फायदा हासिल कर लैण। वेखे ना जवान टुर गए ने ते ज्ञान पता नहीं किन्नियां सदियां गुजर गईयां। अल्लाह फरमाते ने ना उन्हूं ना कुछ सवाल का ना बाहुम बिलह إنكم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. अल्लाह अकबर ए जवान है चौधरियां दे पुत्र वडेरियां दे बेटे कोई आम बंदे नहीं, इन्हां दे बाप झुकदे ने अल्लाह नूं छड़ के गैर अल्लाह दे सामने। ये जवान कहिंदे ने यार ए ते कम नहीं करना चाहीदा, पैदा रब ने कीता ते सजदा होरां अगे कीता जांदा है, रोटियां रब दिंदा ते सजदा होरां अगे कीता जांदा है, खिलांदा ते पिलांदा रब दे ते नदरो नियाज किसी होर दे नाम दी कीती जांदी है। लिहाजा भी तेरे भी क्या पहना तो अलग हो जाइए, ये जवान अलग हो गए। अल्लाह अकबर अल्लाह हर जद इलाके दे लोग इन्हां जवानां नूं तंग कीता है, इन्हां जवानां अपना जाबरा चुकिया ते चलदे चलदे कगार अंदर जा करके छुप गए लुक गए। अल्लाह अकबर अल्लाह दा कुरान बयान करदा ई उस गार अंदर जा करके लेट गए आराम करन लग पे। अल्लाह फरमाते ने बारा बतनाओ किते मेरा मालिक फरमादा बानू कल्ले बोहम जात अली यमीन बदात शमाले। अल्लाह फरमादे ने 309 साल इन्हां जवानां नूं असीं सुलायाओ और किंज सुलायाओ, इन्हां दीआं जवानियां दी कदर असीं किंज कीती गे, इन्हां दे हुसन दी कदर असीं इंज किंज कीती गे ना। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाए जवान सुते पै ने, ये जवान आराम कर दे पै ने, सारे दे सारे मबाखब ने, सारे दे सारे तौहीद परस्त ने, जे सुतियां सुतियां सज्जा पासा थक जांदा ते मैं आप ही इन्हां दा पासा बदल के इन्हां नूं खब्बे पासे कर देना वा, जे खब्बियों थक जाण ते मैं सज्जे पासे कर देना वा। अल्लाह फरमाते ने जिवें मां अपने बच्चे नूं थपकियां दे दे के सवांदी ए, मैं अपने मुजाहिदां नूं ते तौहीद वालियां नूं थपकियां दे दे के सुला छड़ी आवे। अज दा जवान गोड़ियां भी खांदा ते नींद फिर भी कोई नहीं आंदी, ते अक के मजबूरी तो फिर चूहे मार गोलियां खा के मर जांदे। अल्लाह अकबर क्यों मरदे, किस वास्ते मरदे, क्योंकि कम चंगे कोई नहीं, तरीका चंगा कोई नहीं, मेरे पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं चलदा। शराब आम पीती जांदी है, बदकारी सरेआम कीती जांदी है, केबल ते आम बदकारी देखी जांदी है, सैनमिया च जाया
ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਨਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦੇ ਸੈਨਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸੈਨਮੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ 150 ਗਾਣੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ 12 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਣੀ ਹੈ ਇੰਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਸਕੂਨ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦੇ ਤੋਹੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਖੋਟ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮੀ ਤਰ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਰੱਖੀਏ ਤੁਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ وہ جوانا تو موٹی فوم تے بھی لیتے تے تینوں تاں وی سکون نہ آوے ہائے تو اے سی والے کمرے دے اندر کولنگ فل کر کے سوے تے تینوں تاں وی سکون نہ آوے ایتھے تے جوان میں او تینوں وکھان بات لے کے آیا وا جڑا اگ دے انگاریاں تے لٹی آئے او میا سینے تے پیر رکھ کے کھڑائے تے کندا بلال کلمہ چھڑنے کے نہیں چھڑدا کلمہ چھڑے گا تے بچ جائے گا کلمہ نہیں چھڑے گا تے تیرا جسم کوڑیاں نال کوڑا ہو جائے گا اللہ اکبر مارا گئی تینو بڑا مارا گا حضرت بلال کی فرما دے نے او جنا مرضی یا ظلم کا مال ہے او جنا مرضی یا ظلم کا مال ہے او پامے بال دی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا او میرے آقا نو تو جاندا نہیں میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں سونا آمینہ دا او لالے او جن میرے جیسی نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ کو اکبر دنیا چھڑ کر کے جانا تے ہر بندے نہیں گئے لیکن سونیا دعا کریا کر بندہ دنیا تو جاوے تے مباخد بن کے جاوے جوانی دے ایام گزرن تے مباخدانہ گزرن اللہ کو اکبر انج دے جوان دی رب بڑی قدر کردا اے جڑا کائنات دے رب کول ڈر کے زندگی گزار دے تو کی سمجھنا تینو پوچھن والا کوئی نہیں تینو کہن والا کوئی نہیں میں ماننا دا کہ دنیا تے تینو پوچھن والا کوئی نہیں لیکن رب دی عدالت تینو چھڑان والا بھی کوئی نہیں کوئے گا جد میرے مالک دے سامنے تینو کھڑا کیتا جائے گا اور میرے اللہ فرمان گے اللہ کو اکبر ان عمری ہی ان شبابی ہی پی ما اپنا وہ جوانا دس تے سی جوانیاں کتھے لا کر کے آ کے آئے کڈا سونا جوان سے جدو تیری عمر جناب 15 to 20 to 25 سال دی سی جدو تو علاقے چ سب تو زیادہ کڑیل جانیا جاندا سے ادو کی
की करदा रहा जदों मैं तेनू जवानियां तां कीतियां ने ख्यालां नू आखेंगा ला मैं शराबां दे पैक ला के जद आ गया वा क्या आखेंगा ला मैं ताश खेड करके आ गया वा आखेंगा ला मैं जनाकारियां ते बदकारियां करके आ गया वा केड़ा मूंह लै करके मेरे मालक दे कोल जाएंगा ते किवें अल्लाह दे सामने जाके खड़ा होएगा इस वास्ते डरिया कर अपने दिल अंदर पैदा कर अल्लाह दा डर जवानी दा वक्त गुजार ते रब कोलो डर के गुजारना मेरिया मावा बहना जे सुन दिया खोमड़ मम्मी अपनिया जवाना बहना तो यही पैगाम पेश करांगा मेरियो बहनों अल्लाह कोलो डर के जिंदगी गुजारो अज मैं अपनी जवान भैन नू कहना वा मेरी भैन बदार अंदर जाया कर ते परदा करके जाया कर अपना चेहरा छुपा के जाया कर ये कहती है ना ना मैं चेहरा किस वास्ते छुपावा अज कल ते नवा दौर आ गया है न्यू जनरेशन है अल्लाहु अकबर मॉडर्न दौर आ गया है इस वास्ते चेहरा नहीं छुपाना मार्केट अंदर जाती है ते चेहरा नहीं छुपाती बाजार अंदर जाती है ते चेहरा नंगा लै करके जाती है अल्लाह शॉपिंग सेंटर ते जाती है ते चेहरा नंगा लै करके जाती है गली बदारा च निकल दिए ते चेहरा नंगा लै करके निकल दिए मैं कहांगा मेरी जवान भैन कदों तक अपना चेहरा नंगा लै करके फिर दी रवेंगी एक वक्त इंज दा भी आएगा वो तेरा दिल ना भी करदा खोएगा छुपाण वालिया पहले तेरा चेहरा कफन दियां दोवां चादरां दे अंदर छुपाया जाएगा फिर कबर दियां सलैबां च छुपाया जाएगा फिर कबर दी मट्टी दे अंदर छुपाया जाएगा छुपा दिता जाएगा कि कयामत दियां कंधां तक तेरी मां भी तेरा मुखड़ा वेखण तो तरस जाएगी उस वक्त ध्यान तो पहला अज ही चेहरा छुपाण दियां आदतां पा ले ताकि कल जदों तेरा चेहरा छुपाया जावे ते तेनूं डर ना आवे अल्लाहु अकबर अल्लाह इस वास्ते आ जा अल्लाह कोलो डर के जवानी गुजारिया कर वेखना इक जवान औरत मेरे पैगंबर दे कोल आ गई है अर्दा कर दिए तखिरनी या रसूल अल्लाह तखिरनी या रसूल अल्लाह तखिरनी या रसूल अल्लाह अल्लाह दे नबिया मैनू पाक कर दियो मेरे आका फरमांदे ने बीबी की गल है महबूबा बदकारी कर बैठियां हुण मैनू अल्लाह कोलो डर बड़ा लगदा पिया है मैं बड़ी खौफ जदा वा इंज लगदा कितें मैनू मौत आ गई ते मैं अपने मालक नू मूंह किहड़ा जा करके खावांगी तखिरनी या रसूल अल्लाह महबूबा मैनू पाक कर दियो मेरे आका फरमांदे ने बीबी घर टुर जाओ उदों तक ना आवीं जदों तक अल्लाह तैनू बेटा अता ना कर देवे अपना बेटा लै करके मेरे पैगंबर दी मजलिस च आईए हरदा कर दिए तखिरनी या रसूल अल्लाह महबूबा मैनू पाक कर दियो मेरे आका फरमांदे ने बीबी वापस टुर जाओ उदों तक ना आवीं जदों तक तेरा बेटा तेरी खुराक दुध तो इलावा कुछ होर खाण जोगा ना हो जावे वापस चली गई है दोबारा आईए हरदा कर दिए महबूबा खून मेरा बेटा मेरे दूध तो इलावा कुछ होर गिदा भी खान लग पे मेरे पैगंबर ने बच्चा पकड़ लिया पर मैं ले जो तिल जा करके रजम कर दियो महबूबा मैं पाक कर छोड़ो मैं ये चाहनी हाँ मैं अपने मालक की अदालत के अंदर जावा तो अपना दामन पाक लै करके जावा मेरी रिदा पाक होवे मेरी चादर पाक होवे अल्लाह मेरा आंचल पाक होवे अज तेरा आंचल ना पाक होना ते दूर दी गल अज ते तेरा आंचल भी पूरा नहीं रह गया इंज आंचल जड़ा सिरक करके तेरे सिर तो भी नीचे चला जांदा है इंज दी रिदा है जड़ी सिरक करके तेरे जनाब कंधियां तो भी नीचे चली जांदी है हाए तेनूं रिदा दी इज्जत दा की पता तेरे कोल तेरे दा है ही कोई नहीं 15 खदार दी साड़ी बन सकदी है 40 खदार दा लहंगा बन सकदा है लेकिन उस लहंगे दे अंदर ना कपड़ा मुयसर नहीं कि जिन्ना नाल जवान औरत अपने बाजू ही कज सके इना कपड़ा मौजूद नहीं वो जिस कपड़े नाल अपने सर नू जनाब जनाब कज सके हाए खाए कित्थों तक जाने ते कदों तक कायनात दे रब दी बगावत करनी है कदों तक देख आई ते तुले रहने ए तेरी बेहयाई दा ते नतीजे कदी कुछ दे ते कुरान दी गुस्ताखी कर खलोंदा है ए तेरी बेहयाई दे ते नतीजे कोई उठ ते मेरे पैगंबर दे
ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਖਲੁੰਦੇ ਹਾਏ ਖਾਏ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਾਮੋ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਲੂਸ ਭਰੇ ਕੱਢੇ ਖੁਣਗੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਭ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਜਲਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਪਾਰਾ ਡੇਲੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਰੇਡੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਰੇਡੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਕੀਦਾ ਸੈਯਦਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ اللہ اکبر جنو پتہ دین والی ذات اتے بیٹھی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تے سی وقار غور کر دے جانا دراو تیری بیٹی نو کل ہو اللہ دا ترجمہ نہ آوے تیری بیٹی نو عقیدہ توحید دا پتہ ہی نہ ہووے توحید کنو کیا چاہندے توحید کس چیز دا نام ہے ادھر کون ننی ننی جی مریم ہے اللہ اکبر ਹਜੇ ਕਫਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਕਫਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕਫਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਏ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਖਜੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਦਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕੀਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਥਾਲ ਭਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਭਰਿਆ ਥਾਲ ਜਨਾ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਆਲਾ ਕੀ ਹਾ ਆਦਾ ਮਰੀਮ ਕੌਣ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਲ ਸੈਯਦਾ ਮਰੀਮ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾ ਆਲਾ ਤੂ ਹੁਬਾ ਮਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਕੀਦੇ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤਰਜਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਸੈਯਦਾ ਮਰੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕੀਦਾ ਕੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਏ ਇਸ ਤਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਏ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਮਾਓ ਸਿਫਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਯਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੋਹੀਦ ਕਿਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਫਿ ਤਸਰਫਾਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਫਿ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸਮਾ ਤੇ ਸਫ ਔਸਾਫ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਆ ਜਾ ਜਵਾਨਾ ਆ ਜਾ ਅਕੀਦੇ ਤੋਹੀਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਠੱਕਾ ਮਬਾਖਿਦ ਬਣ ਜਾਓ ਮਬਾਖਿਦ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸੌਰਤ ਨੂੰ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਓ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਾਬੀਆ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਂ ਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਮਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਰਮਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਕੁਛ ਕਤਰਾਤ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਲਾਦਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੇ ਪਾਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਈਏ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਗਈਏ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਮਦਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਰ ਰਾਜੂਲੁਨ ਸ਼ਾਅਬੁਨ ਨਸ਼ਾ ਫੀ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬਹੀ। ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਏ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹ ਖਾਈ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੰਗੀਨੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮੱਯਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਰਾ ਬਣ ਲੈਣ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਦੀ ਖੱਟ ਦਰਮੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਦਾਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਡੈਕ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਅਦਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਦਾ ਬੁਲੰਦ ਖੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਦਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਟੇਪ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਏ ਪਰ ਮੰਨਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਏਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਕੋ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਗਰਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਪੈ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਦਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰਾ ਜੁਲੁੰਦਾ ਅਤੂ ਹੋ ਇਮਰਾ ਅਤੁਨ ਜ਼ਾ ਤੂ ਹਸਾ ਬਿੰਬਾ ਮਨ ਸਾਬਿਨ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਬਦਕਾਰੀ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ ਵੀ
बीबी मैनू अपने अल्लाह को बड़ा ही डर लगता है। अल्लाह खुआ अकबर अल्लाह अज मैं तेरे हुसन नू देखा या अपने चिट्टे रंग दे कफन वल वेखा। ओ मैं तेरे हुसन वल नजर पावा या अपनी छोटी जी सामी ते लहद वाली कबर वल नजर पावा। अल्लाह खुआ अकबर अज ते तेरा हुसन मेरे ते फिदाए उदो की बनेगा जदो कबर अंदर सप ते बिच्छू होणगे ते मैं कल्ला ही होवांगा। अल्लाह खुआ अकबर अल्लाह इत्थे भी मैनू जवान याद आ गया रब दा पैगंबर सैयद ना खदरत यूसुफ अलैहि सलाम। अल्लाह दे बरगुजीदा पैगंबर मेरा अज दी रात मेरे पैगंबर कहने ते मेरे आका ने फरमाया फरमा आसमाना ते जांदियां जांदियां एक आसमान ते अल्लाह ने मैनू खदरत यूसुफ पैगंबर नाल मुलाकात करवाईए। मेरे महबूब फरमांदे ने मैं गौर नाल खदरत यूसुफ दा मुखड़ा तक आए। मेरे पैगंबर ने फरमाया मैनू इंज लगा जिवें कायनात दे रब ने पूरी कायनात दा अद्दा हुसन बंड के कल्ले यूसुफ नूं दे छड्या वे। एडा सोहणा जवान तू किन्ना कु सोहणा होएगा कम की दिया सोहणिया तू किन्ना कु सोहणा होएगा कितना कु प्यारा होएगा क्या तू हजरत यूसुफ तो भी वध के हुसीने। अल्लाह खो अकबर बंद कमरे दे अंदर हजरत यूसुफ पैगंबर अल्लाह खो अकबर बरगलाण वाली बरगलाण बात आ गई है। अल्लाह खो अकबर ला तवज्जो करना दरा गौर करना की कहंदी है कहे जुलैखा यूसुफ मियां ते सानू प्यार तुहाडा। यूसुफ कहे जुलैखा ताई सानू प्यार खुदा दा। अल्लाह अकबर ला बीबी मैनू ते अपने रब कोलो डर पिया लगदा है अपने खालिक मालिक दे कोलो डर पिया लगदा है। अल्लाह अकबर ला ने कुर्बान जावां अल्लाह दा कुरान बयान कर दे फरमाया बराबादा तू हुल्लती खुवाफी बईतिहा अन्नफसी ही वगल्लकतिल अबवाब बका आला तहाई तलक का आला माजल्ला। अकबर बीबी मैनू अपने रब को डर पिया लगता है ना ना मैं कम नहीं कर सकता वो जिस घर का काम उस घर दियाँ निमख हरामियाँ करना नबिया का शेवा नहीं होया करता। अल्लाह खो अकबर अल्लाह हजरत यूसुफ पैगंबर अपने इमाम ते अल्लाह की मदद न बिल्कुल जनाब मुस्तकिम ने आखिर चलदियाँ चलदियाँ खदरा ते जीवाकार इतों तक नौबत आ गई है। वो कहती है जे तेनू किसी को डर लगता है तो मैं जो मौजूद हाँ तो मैं मलकां बातें तेनू डर किस बात दाले कमरे के अंदर कौन है तेरे ते मेरे तो इलावा जेदे को तेन शर्माया दियाँ खोम। हजरत यूसुफ फरमाते ने बीबी वो कोई तो तीजा मौजूद है जेदे को मैनू डर पिया लगता है जरा अपनी बसारत के लिहाज नाल मौजूद है बैठा अपने रिश्ते के वजूद के लिहाज नाल लेकिन नजर पा के वेखदा पिया कि मेरा यूसुफ जवानी नू किंज सांभदा है मेरा यूसुफ जवानी दे वक्त की करदा। बीबी ना ना अल्लाह दी पना ना मैं कम नहीं कर सकदा ए कायनात दिया रब्बा ए सौरत दे कोल भजन दा मेरा इरादा है ए सौरत कोल जान छुड़ाउण दा मेरा इरादा है मालका जावां ते किहड़े पासे जावां। फरमाओ मेरा यूसुफ पैगंबर ते जो जवानी दे वक्त साडी कदर कीतीए जे तू बंद कमरे अंदर साडी मन्नीए तेरा कदम चुक के ते वेखना सी तेरियां किवें मन्नियां अल्लाह की करेगा ते किवें मन्नेगा फरमा कदम।
चुकड़ा तेरा कम है, बारह ते सत्ता ते जिन्ने भी दरवाजे ने खट खट करके खोल दे भी जानगे ते तेनू मरहबा भी कहते जानगे। हजरत यूसुफ ते अंदर बाहर निकल गए, दरवाजे ते अजीज मिस्र वेखिया, अंदर दिया मुहब्बत नफरत अंदर बदल गईया, झट नहीं लगा वफा वाली अख बेवफाई नाल मैली हो गई। ही कहंदी ओ की बनेगा, ओए गल सुन अजीज मिस्र, जे किती अज तू ना हुंदा ते मैं ना बचदी, जे किती अज तू ना आंदा ते मैं ना बचदी। हजरत यूसुफ पैगंबर ने आसमाना वन नजर चुक लईए, ए कायनात दे रब्बा की बन गए, अंदर कुछ होर सी ते बाहर कुछ होर, अंदर वफा सी ते बाहर जफाए, अंदर मुहब्बत दियां गल्लां ते बाहर बगावत हुंदी पई है। फरमाओ मेरा पैगंबर यूसुफ, जे बंद कमरे च रब तेरिया मदद कर सकदे, इथे भी तेरिया मदद मैं आप करांगा, और इंज दियां करांगा। अल्लाह अकबर अपने मुंह चो कहेगी कि यूसुफ दा कसूर कोई नहीं। हजरत जीवकार बचाया मेरे परवरदिगार ने, अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, वकदत कमीसा को जुलैखा ने कुर्ता पकड़ लिया, हजरत यूसुफ दा कुर्ता पकड़ करके खिंचिया, कुर्ते दी लीर ते टाकी हाथ अंदर रह गई। हजरत यूसुफ ते अंदर अगे दौड़ गए, मैं एक गल आखिया करना वा, एक कायनात दिया रब्बा, इंज जो जुलैखा ने कुर्ता पकड़िया खोएगा, ओनू खिंचिया खोएगा, वो टाकी हाथ अंदर रह गई खोएगी। अल्लाह क्यों इंज खोए, डीजल दी कुर्ता ते फटिया भी नहीं करदा। फरमा मेरा पैगंबर बुराई तो इतना तेजी नाल दौड़दा पिया सी कि कुर्ता जुलैखा दे हाथ अंदर आ गया, फिर जरा कुर्ता जुलैखा दे हाथ अंदर आ गया, मेरा पैगंबर पाके जुलैखा दा इरादा ना पाके, और जिस जगह ते ना पाके इरादे वाली औरत मेरे पैगंबर दे कुर्ते नु भी हाथ ला दे, वे मैं कपड़े दा ना हिस्सा भी दोबारा अपने पैगंबर दे जिस्म ते नहीं लगन दिता करदा। फरमाया ता कुर्ते दी टाकी रहन दित्ती कि मेरा पैगंबर पाके ते एक कुर्ता हुन जिस औरत दे हाथ अंदर आए, उस औरत दा इरादा ना पाके एक कुर्ता भी पैगंबर दी छाया निशान रह गया। एक कुर्ते दा टुकड़ा पैगंबर दे जिस्म दे करीब नहीं जाना चाहिदा। क्यों? यो मेरा जवान है जिन्हें जवानी दे वक्त अल्लाह को डर के अपने आप नु बुराई तो बचाए। अल्लाह है को मेरा अज भी जवान जड़ा हजरत यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम दी इस जवानी दी दास्तान नु सुन करके अपने आप नु बदल लवे, खालिस अल्लाह वाला बन जाए, कायनात दे रब को डरन वाला बन जाए। और जाओ मैं कहा करना जिवे तुसी जवान ममी तुहाडी तरह जवान, जो तुहाडे दिल अंदर खाशा ने मेरे दिल अंदर भी खाशा ने, जिवें शैतान तुहाडे ते गलबा पांदा है मेरे ते भी पांदा है। लेकिन मेरा तजर्बा के जिंदगी दा जवानी दे वक्त बंदा रब वल आ जाए, अल्लाह दुनिया भी दे छड़दा है, रब दीन भी दे छड़दा है। अलहम्दुलिल्लाह असी भी जवान हाँ, रब ने सानू दीन भी दिता है, दुनिया भी दिती है। ये ना समझे अज साढ़े बंगले के अंदर एक नौजवान सी ते ओदी बड़ी वड्डी दुकान वीडियो सेंटर ते किस तरह गाने वाली, उन्हें कोई तकरीर सुनिया, उन्हें आख्या मैं बेच देना, उन्हें दुकान सारी बेच दी, घर आले रोज लड़न। देख तू की कीता, वह घर आले की लड़ाई तो तंग आके बेचारा फैसलाबाद चला गया, कुछ देर उत्थे काम किया, वापस आया फैबर ग्लास का उन्हें काम सीखा। इस टाइम अलहमदुल्ला उकाड़े जंदर बड़ा बेहतरीन होंदा काम है, हर अल्लाह ताला ने बड़ी उन्होंने रोजी अता की, को मरता नहीं गया जो उन्हें गाणियां दा ठेका छड़ दिता। और जे तू वीडियो सेंटर खत्म कर देवें तू भुख नाल मरते नहीं जाता, इंज दी कमाई नाल बंदा भुखा रह लवे, जे बंदे ने कंजरां दी कमाई खानी होवे भुखा चंगा इहदे नाल बंगा। इस वास्ते आ जाओ अल्लाह ते दर ते झुक जाओ, जवानों अपनी जवानी दी कदर करो। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। के आजमा के वेख रब नू ए दोस्त ओखे वेले, आजमा के वेख रब नू ए दोस्त ओखे वेले, ओ वसदाए बन के रहमत, वसदाए बन के रहमत, छम छम मेरा खुदाए,
हाँ वसदाए बन के रहमत छम छम मेरा खुदाए, क्योंकि हर दम मेरा खुदाए, दम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा खुदाए, दम दम मेरा खुदाए। मुश्किल दी हर घड़ी विच, मुश्किल दी हर घड़ी विच हम दम मेरा खुदाए, हर दम मेरा।